गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है कि हम लोग संडे को भी अलेवंथ का क्लास करते हैं, इसलिए इस संडे को भी होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट अब्सेंट है तो फिर भी क्लास होगा अभी, और शाम में भी जो नमरिकल का क्लास चल रहा था वो भी क्लास होगा। तो चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशंस पढ़ रहे हैं या मोशंस का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग दो इक्वेशंस प्रूव कर लिया था, आज तीसरा इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे। हम लोग का पहला इक्वेशंस था क्या, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर दूसरा इक्वेशंस हम लोग प्रूव किए थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशंस जो है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको प्रूव करेंगे अभी, तो लिखिए प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स गतिकी के तृतीय समीकरण का सत्यापन, यानी गतिकी का तीसरा समीकरण जो है इसका सत्यापन पढ़ना है हम लोग को। तो ध्यान से देखिए, सारा चीज मान ही लिए हम लोग, भी यू ये सब मान चुके हैं। ध्यान से देखना है, वी या लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशंस। बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान देना है इधर भी स्क्वायर कर दिए और साथ ही इधर भी स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए, समझना है इसको थोड़ा सा तब उतारिएगा। भी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इतना सा a और ये क्या है b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो लिख सकते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का रोल u कर रहा है, b का रोल at। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at, कोई दिक्कत नहीं। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी, अपने मन से इस जगह दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, कट जाएगा तो यही रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब कटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि कटाना ही था तो लिखे का है। अब आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, टू ए इसमें भी है, टू ए इसमें भी है, इतना सा ही कॉमन ले रहे हैं, टू ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा वन बाय टू, टू चूंकि कॉमन आ चुका है, दो ए में एक चला गया, एक ए बचा, और इधर टी स्क्वायर बचा, और इधर यू टी बचा, क्या बचा इधर ut, ओके। तो इस तरह से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, इसी चीज को रीअरेंज करके आप इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, बट जानते हैं हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
गति के द्वितीय समीकरण से क्या जानते हैं बच्चों, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण सेकेंड का समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर। ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया, टाइम देंगे लिखने के लिए। मान रख दीजिए तो v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, प्रूफ हो गया नहीं? इट इज द लिखिए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और मोशन, प्रूफ हो गया यह गति या गतिकी का थर्ड है, तृतीय समीकरण है। बस ये तीन ही इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स में, और सारा का सारा प्रॉब्लम इसी तीन इक्वेशंस के हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। बाकी एडिशनल फार्मूला जो भी बनता है सब इसी से ही बनता है, यही मेन है। और आप देख रहे हैं कि हर जगह देखे एक दो तीन चार वेरिएबल है, इस समीकरण में भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल है, इस समीकरण में भी, इस इक्वेशन में भी चार वेरिएबल है। आप बड़ा अच्छा से सोच सकते हैं कि तीनों इक्वेशंस में चार चार वेरिएबल है। आप लिखते रहिए, तीनों इक्वेशन में चार चार वेरिएबल है, चार में से अगर तीन दिया रहेगा, चार में से अगर तीन दिया रहेगा तो बच्चों हम लोग चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं। चार में से अगर तीन दिया रहेगा तो चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं, यह बात हम लोग को पता है। ओके, लिखिए, चलिए, आई होप आप लोगों ने उतार लिया है इसको, तो इसको मिटाता हूँ। यानी हम लोग काइनेमेटिक्स में यूज होने वाला जो तीन इक्वेशंस होता है, यानी मोशंस के लिए जो ये तीन इक्वेशन यूज होता है, इसको डिटेल्स में पढ़ लिया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताते हैं, कुछ और फार्मूला हमें प्रूव करना है उसको अच्छे से समझाने के लिए। एक क्वेश्चन लीजिए, लिख रहे हैं, आसान ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग थ्योरी पर पहुंचेंगे। लिखिए, ए कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s², देन फाइंड द, ए नंबर, टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड बाय एट सेकेंड, बी नंबर,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 7 सेकेंड निकालना है आपको। आप चेक कीजिए कौन फॉर्मूला लगेगा। कोई कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चलती है, चलती है तो आठ सेकेंड में तय की गई दूरी बी नंबर, 7 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। निकालना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको चेक करना है। एक कार स्टार्ट हो रहा है 0 से, ध्यान दीजिए फिगर बनाते हैं। ये कार है, ये सब फिगर रफली बनाया जाएगा। ये रेस्ट से है, जैसे हम रेस्ट में है तो क्या वेलोसिटी आपका 0। रेस से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है, 1 सेकेंड जब टाइम बीतता है तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। समझना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये न्यूमेरिकल्स हम एक थ्योरी प्रूव करने के लिए, जो ट्विस्ट है थोड़ा, उसका फीलिंग्स देने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, जैसे 1 सेकेंड बीतेगा सर तो इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला 1 सेकेंड और जैसे बीतेगा स्पीड इसका 4 हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद 6, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद 7। अगर बोलेंगे 2 सेकेंड में अगर 2 मीटर चलता है, ध्यान से देखिए, अगर पहले सेकेंड में 1 मीटर चलता है तो दूसरे सेकेंड में कितना चलेगा, 2 नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 मीटर भी नहीं, उससे ज्यादा चल जाता है। ध्यान देना, पहला सेकेंड तो 2 मीटर पर सेकेंड से चला ना, स्पीड कम था, दूसरे सेकेंड में इसका स्पीड 4 हो गया, यानी 4 मीटर पर सेकेंड से चला। यानी पहले सेकेंड में 2 मीटर, पहले सेकेंड में 1 मीटर आएगा, कितना आएगा 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 3 मीटर चल जाता है, कितना चल जाएगा 3, इस तरह से ही होगा। अच्छा इक्वल तो नहीं चलेगा, कैसे होगा वो हमको कैलकुलेशन आया दिमाग में, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर होते थे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पहले सेकंड में जो चला दूसरा सेकंड में उतना ही चलेगा, ऐसा नहीं, दूसरे सेकंड में ज्यादा चलेगा। क्यों, ये एक्सेलरेट मोशन में है, किसमें है, तीसरे सेकंड में और ज्यादा चलेगा, चौथे में और ज्यादा चलेगा, समझ में आ गया, ये यह बता रहा है। और इस तरह से चल रहा है तो 8 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है। सपोज डेट ये कार यहाँ पहुँच गया 8 सेकेंड में, कहाँ पर पहुँच गया, इस जगह पर, और ये टाइम कितना लिया, ये टाइम लिया 8 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना 8 सेकेंड, ओके यहाँ पहुँच गया। तब डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस इसको मान लो S1, क्या मान लिया इसको S1, ये डिस्टेंस निकालना है, ओके तो निकाल लेंगे हम लोग फटाक से, क्योंकि S1 बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 है तो ये टर्म 0 कर देगा, हाफ
ए का वैल्यू भी 2 है और टी का वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, S1 इज इक्वल टू 64 मीटर आ जाता है। कोई दिक्कत, एक तो निकल गया 8 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 64 किलोमीटर। अब उसके बाद पहले 7 वाला बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं 7, टाइम कितना पुट कर रहे हैं हम लोग 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 49 मीटर, इसको 7 कर लो और इसको क्या कर लो 8, इसको क्या कर लिए हैं 7 और इसको क्या कर लिए 8, उसी टाइप से यहां पर भी 7 कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए 8, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं लेकिन थ्योरी पर जा रहे हैं हम लोग, थ्योरी प्रूव करेंगे इसीलिए सिखा रहे हैं। तो ये S1 निकल गया कितना आपका, ओके। अब ये कार 8 सेकंड में कितना चलेगा, ऑब्वियसली 8 सेकंड में ये ज्यादा दूर जाएगा, बोलो जल्दी से, 8 सेकंड में ये ज्यादा दूर जाएगा, मानो यहां पहुंच गया और ये टाइम जो लिया कितना टाइम लिया 8 सेकंड, कितना टाइम लिया ये टाइम 8 सेकंड, T2 जो तुम्हारे पास है वो 8 सेकंड है, कितना सेकंड है 8 सेकंड, तो ऑब्वियसली है ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा S2, कितना हो जाएगा ये S2 भी निकाल सकते हैं हम लोग, बोलो S2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S2 निकाल रहे हैं तो बताइए ये कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये इसके लिए शुरुआत जीरो है, हाफ A का वैल्यू 2 है और T इसके लिए 8 है, तो इसका मतलब ये 2 कैंसिल, S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 मीटर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आपको पूछे बताइए यह डिस्टेंस कितना होगा, ये S मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं S, ये कितना होगा बोलिए, बोलो, आपको पूछ रहे कि 8 सेकंड में, कौन सा सेकंड में 8 सेकंड में, अच्छा यहां तक तो 7 हो गया, यहां तक 7 हो गया ना, 7 क्लास में जब आप इन करते हैं तो उसी समय 7 कल आता है ना, सॉरी 7 क्लास से जैसे 8 में इन कर गए आप उसी समय से 8 कल आने लगेगा, बोलन जल्दी से जी, नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में एंट्री किए आप अभी 11th में, 11th पूरा हो गया, 10th से जैसे क्रॉस करते हैं, 10th से जैसे ही क्रॉस करते हैं आप, तो आपका काउंटिंग किस में आने लगता है 11th में, इसी तरह टाइम काउंटिंग होता है, उसी टाइप से आप 7 तक कंप्लीट कर लिए, अब जो एंट्री मारे 8 में चले गए ना, तुमको पूछेंगे कि 8 सेकंड में, कौन सा सेकंड में 8 सेकंड में, एक क्वेश्चन इसमें और भी दे देते हैं, सी नंबर 8वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें, ज्ञात करें, यानी सी नंबर लिखो लिखो इसको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, कौन सा सेकेंड 8 सेकेंड, 8वें सेकेंड में 8 सेकेंड, बच्चा फंसता है 8 सेकेंड और 8 सेकेंड दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिए 8 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किए आप वो 64, 8 सेकेंड में केवल 8वें सेकेंड में पूछ रहा है S8, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या निकाले S7, क्या निकाले ये 7 तो नहीं, क्या निकाले 7, ये क्या निकाले 7 है, ये अगर S1 नहीं माने तो क्या मानिएगा 7, और ये क्या निकाले S8, ये क्या निकाले 8, लेकिन आपको कह दिया S8 नहीं,
तो कैसे निकालिएगा बताइए, ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ना इतना जी, 64, बोलो जल्दी से, 64 में आपने इसको माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो आप क्या कीजिएगा कि एस 8 में माइनस कर दीजिएगा किसको, एस 7 को, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना है, 64 में 49 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, 64 में इसको माइनस करो 50, चलिए तो ये कितना निकल गया आपका 15 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? लिखिए इसको, ए बी सी तीनों आप लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आई होप आपने क्वेश्चन ये लिख लिया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और ये बनाइएगा, फिर यही क्वेश्चन, ए कार इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square, then find the distance traveled by car in 8th second. कोई कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 meter per second square की त्वरण से चलती है तो 8th second में तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए तेज बच्चा भी फंसता है तो सोचता है यू दे दिया है और 8th second दे दिया है, मतलब टाइम 8 पुट कर देता है और आंसर क्या निकाल देता है, 64 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनना, पूछ रहा है 8th second में, बस बच्चे को समझ में नहीं आता, याद रहता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस यही 64 निकाल देता है, क्या ये 64 होगा, नहीं ना, आंसर कितना आएगा 15, कितना आएगा 15, कितना आएगा, तो इसका आंसर तो कर लीजिएगा आप लोग, तो क्या करना पड़ेगा, 8 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान दो, फिगर बनाते हैं, सपोज डेट ये कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, सपोज डेट ये कार है रेस्ट से स्टार्ट होता है और टाइम जब 8 सेकेंड लेते हैं, कितना लेते हैं 8 सेकेंड लेते हैं, तो यह कार मानो यहां पहुंच चुका है, कोई दिक्कत? तो यह दूरी ध्यान से देखिए, यह दूरी को हम S8 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, S8, ओके, उसके बाद हमको 8th second में पूछ रहा है, 8th second कब स्टार्ट होगा, जब 7 कंप्लीट होगा, यानी यह डिस्टेंस पूछ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यह डिस्टेंस यहां पर, ये जो टाइम लगाएगा यहां तक आने में, यह टाइम कितना है 7 सेकेंड, कितना 7 सेकेंड, ऑब्वियसली है इस 7 सेकेंड में
जो दूरी तय किया उसको एस सेवन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एस सेवन। समझ में आ रहा है? समझना। अरे न्यूमेरिकल नहीं है, हम थ्योरी पर जाना चाह रहे हैं ताकि आपको फीलिंग्स में आएगा, आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि सर किस दिमाग से पढ़ाए जो इतना ट्विस्ट थ्योरी भी आसानी से समझ में आ गया। अब अगर आपको यह निकालना है, ध्यान से देखिए, यह निकालना है, यही है आपका एस एट्थ, एस एट्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? एस एट, आठ सेकेंड में जो डिस्टेंस है यो यहां से लेके यहां तक है, और एस एट्थ जो है, नहीं एट्थ जो है वह यह डिस्टेंस है। कोई दिक्कत? तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एस एट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एस एट, और फिर से क्या निकालेंगे? एस सेवन। फिर से क्या निकालेंगे? एस सेवन। अगर बच्चों, अगर एस एट भी हो सकता है, कभी 50वां सेकंड पर भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो एस एन एथ निकालना है, जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो तुमको क्या निकालना है? एस एट्थ। क्या निकालना है? एस एट्थ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू इंटू टू इंटू एन का वैल्यू कितना है? आठवें सेकंड में ना, ये टाइम है, टाइम एन किस सेकंड में? आठवें सेकंड में, एट माइनस वन। अब ए का वैल्यू टू है, यही एक कैंसिल हो गया, तो यू तो जीरो है, प्लस 16 माइनस वन कितना आ जाता है? 15 मीटर। तो बताइए, इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आया था, इस फॉर्मूले से तुरंत आ जाता है, इसका मतलब यह फॉर्मूला जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड तो ने सीबीएसई में ये कोर्स प्रूव करने के लिए भी कह देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इस क्वेश्चंस को नीट सब में काफ़ी क्वेश्चंस इससे रहता है, ठीक है, नीट में जेई सब में भी स्टैंडर्ड बढ़ा के ये क्वेश्चन पूछता है, चूँकि बच्चे गलती करते हैं। आठ सेकेंड में तय की गई दूरी और आठवें सेकेंड में तय की गई दूरी दोनों को एक ही समझ लेता है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो इस तरह से अगर सर हम ये फार्मूला अगर यदि हम प्रूव कर लें, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फार्मूला अगर हम प्रूव कर लेंगे तब ये झंझट में नहीं पड़ेंगे। और भी ध्यान दो, मैं आसान आसान दिया था डाटा, मैं डाटा आसान आसान दिया था, इसीलिए आप सॉल्व करके ये निकाल भी लिए, नहीं आपको कह देगा 500000 सेकंड में कितना होगा। समझ में आ रहा है? कहेंगे 60th सेकंड में कितना होगा, ध्यान दो बाबू, 60th सेकंड में यानी 60 सेकंड में कितना होगा ये पूछ देंगे, तो यहां पर 60 पुट कर देंगे, तुरंत आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अपने ही कॉन्सेप्ट जो जानते हैं उससे निकालेंगे तो पहले 60 सेकंड में कितना चला वो निकालना पड़ेगा, फिर 59 सेकंड में कितना चला वो निकालना पड़ेगा। तो 60 सेकंड वाले में 59 सेकंड वाले जो डिस्टेंस है घटाएंगे तब आंसर आएगा। तो अब 59 है टाइम टी का स्क्वायर, अब 59 × 59 करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशंस कितना बड़ा होगा, बोलो जल्दी से, कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा, बोलो ना जल्दी से, बहुत बड़ा कैलकुलेशंस होगा। इसको क्षण भर में शॉर्ट आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला आएगा कैसे? बस सिंपल है, आप यहाँ पर देखिए कैसे आएगा, कैसे एस ये निकाले थे। अगर आपको एस एट्थ निकालना है, क्या निकालना है? एस एट्थ। थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे क्योंकि लिख लिया था ना, और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि जगह मिले हमको ज़्यादा। यहाँ पहुँच चुका है कार, आपको एस एट्थ निकालना है, एट्थ।
आप क्या करते हैं फटाक से बताइए, एस एट निकाल लें, उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, एस सेवन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई दिक्कत? अभी परफेक्ट एट के लिए निकाले, ध्यान दो, अगर हम जनरल की बात करें, क्या करें हम लोग, जनरल का बात करें, अरे ये तो आंसर उसमें बनाए ही थे ना, इसलिए नहीं भी लिखो घर में बना लेना फिर से, ध्यान से देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एन में सेकेंड में कह देगा, आठवें में ना पूछ रहे अभी, बोलो जल्दी से, एन में कह देगा, ठीक है, अगर हम इसको एस एनएथ बोल दें, क्या बोल दें, एनएथ, जो भी कहे दसवां बीसवां पचासवां, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, और उससे ये कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एस एन माइनस वन, बोलो जल्दी से, यानी एस ये निकालना, एस एन एफ निकालना है तो क्या करना पड़ता है, बोलो क्या करना पड़ता है, एस एन में एस एन माइनस वन को अगर माइनस कर देते हैं, एस एन एफ में एस एन माइनस वन को माइनस कर देंगे, निकल जाता है कि नहीं, बोलो, यानी एनवा सेकेंड में कितना दूरी तय किया वो निकाल लेंगे, फिर एन माइनस करके एक, कितना दूरी एनवे सेकेंड में कितना दूरी किया, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये पूरा जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एट के जगह पर एन सेकेंड क्या बोल देंगे, और यह डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, ये एस एन, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस एस एन, और ये जो है एस, इसको क्या बोलेंगे, एस एन माइनस वन, क्या बोलेंगे, एस एन माइनस वन, और यहां पर जो टाइम है इस टाइम को क्या बोलेंगे, एन माइनस वन सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको, एन माइनस वन सेकेंड, समझ में आया, आया नहीं आया, बोलो बोलो, एक जनरल हम बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, जनरल इक्वेशंस फॉर्मूला पर जा रहे हैं, ठीक है, आई होप प्रॉपर इस क्वेश्चंस को घर में सॉल्व कर लीजिएगा, रुको अस्थिर रहो, जहां अस्थिर रहने के लिए कहे वहां अस्थिर रहा भी करो, नहीं तो पहली बार जब पढ़ता है ना बच्चा उसको समझ में ये आता भी नहीं है। अब हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाइए थ्योरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन एनएथ सेकेंड, कण द्वारा एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, लेट मान लो, लेट कर लो, माना एस एन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में, सॉरी एन सेकेंड, कितना एन सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, लिखते जाइए, अब लिखते जाइए एस एन माइनस वन को मान लिए, क्या ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, और एस एन एथ मान लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, nवे सेकेंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। मान लिए, कोई दिक्कत? इतना तो जान रहे हैं। तो n सेकंड में कितना दूरी तय किया निकाल लेंगे, फिर उससे एक सेकंड पहले तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकाल लेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, sn में sn में माइनस कर देंगे sn माइनस वन को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी चूंकि न्यूमेरिकल आप बना लिए हैं इसलिए दिमाग काम कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं बनाए रहते हैं ना तो आपको लगता है ये कैसे कैसे निकाल दिया। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। साइंटिस्ट कैसे कैसे पहुंचता है, जो नीड फॉर्मूला है बेसिक से इसी तरह से पहुंचता है, उसी तरह से तुम्हें भी मैं सोचवाया, इसीलिए तुम इसको अच्छे से फिलिंग कर लिया। जनरल बच्चा डायरेक्ट किताब में लिखा रहता है और बना प्रूफ कर देता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। फिगर यही है, फिगर बनाइए। उसके बाद अब क्या करना है हमको, एस एन एथ निकालना है। नहीं, एस एन एथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नहीं, इसलिए एस एन एथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Sn-Sn-1। ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं पढ़े रहते कुछ तो यही करते, ये लिखते, यहाँ लिखते डिस्टेंस ट्रेवल बाय n सेकेंड, फिर कहते डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्ट के लिए n-1 सेकेंड। अब Sn-th डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्ट के लिए nth सेकेंड, तो क्या करना है, इसमें इसको घटा देते हैं। उस समय इमेजिंग गड़बड़ा जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता इस चीज को, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया। लिखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट लिख करके फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए, या बनाने से पहले चलिए देखिए देखिए। अब आइए यहां पर चलते हैं, चल रहे हैं। लिखिए, वी नो, हम लोग जानते हैं Sn, Sn इज इक्वल टू क्या, सॉरी S इज इक्वल टू क्या जानते हैं, बोलो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जानते हैं कि नहीं? ध्यान देना, S इज इक्वल टू u, तो u इनिशियल वेलोसिटी है, t कितना, t का मान कितना, अगर यदि आप निकाल रहे हैं Sn, क्या निकाल रहे हैं Sn, तो t का मान कितना, ध्यान नहीं देता है तो कैसे होगा, ये होता है कहकर Sn जब निकाले तो कितना टाइम लेगा जी, n, तो बोलेगा तब ना, बिना बोले झूठे ताके का बेकार हो जाएगा। हाफ a, a है, t के जगह आप क्या पुट करें, n, n स्क्वायर, ओके। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, क्या मान लिए, सेकंड। अब बताइए, अगर आपसे पूछे एस एन माइनस वन, क्या पूछे, एस एन माइनस वन, ये वाला डिस्टेंस, ओके, कितना देर में ट्रे करता है ये, एन माइनस वन सेकेंड में, तो ध्यान से देखना यहां, तो इसको क्या लिखेंगे, यू एन के जगह पर क्या आ जाएगा तब, एन माइनस वन। अरे बोल रहे हैं इसको देखना है बारीकी से, हाफ ए टी का रोल कौन कर रहा है यहाँ, एन माइनस वन, ये स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अगर एस बराबर ये होता है तो एस एन इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, एस एन माइनस वन इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, बोलो किसी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब इसमें पुट कर दो, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड एवं थर्ड का मान रखने पर,
ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आइए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एस एनएथ इज इक्वल टू, यहां अटेगा भी नहीं, अब यहां तक लिखिए, लिखो अब यहां तक, ऊपर ये मिटाऊ ये हेडिंग, अब समझ में आ जाएगा, अब बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन का वैल्यू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू पता है हम लोग को कितना है, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, इस तरह से है, बस इसको आप सॉल्व कर देना है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस। अब चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू एन माइनस यू, कोई दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हाफ ए दिए, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, नहीं इस तरह से है, इसको मिटाऊं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, और यहाँ पर कर सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस है, तो माइनस इसको करो, यू एन माइनस यू प्लस, अब देखो इस चीज से इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, तीनों में होगा या नहीं होगा, कीजिए, तो ए बाय टू यू स्क्वायर, ये क्या है, a बाय टू है, प्लस वो n है, यहां तक कोई दिक्कत, फिर ये अंदर जाएगा a बाय टू, फिर ये अंदर जाएगा माइनस टू एन ए बाय टू, ए बाय टू, किसी कोई दिक्कत, एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, फिर से माइनस ए बाय टू एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बाय टू माइनस माइनस प्लस टू एन ए बाय टू, यहाँ तक में कोई दिक्कत, देखिए ये और ये कैंसिल, बोलो कोई दिक्कत, ये और ये कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, ध्यान से देखिए, अब एन एथ इज इक्वल टू, अब क्या आया, यू माइनस ए बाय टू प्लस
टू एन ए बाय टू, कोई दिक्कत? एस एन एथ इज इक्वल टू यू है, यू दिए, ध्यान से देखना, ऐसा कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एन ए बाय टू माइनस ए बाय टू, किसी कोई दिक्कत? इस चीज को आगे किए और इसको इधर लेके गए, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए एस एन एथ इज इक्वल टू, अब u है u दिए प्लस a बाय टू कॉमन ले लो, a बाय टू हियर, a बाय टू यहां कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा तब? a बाय टू कॉमन आ गया 2n, तो लिखेंगे 2n माइनस 1, ठीक है, तो यही फॉर्मूला प्रूफ हो गया, बोलो हुआ कि नहीं? अब तुमको कुछ भी कहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी ध्यान दीजिए, कभी भी कुछ भी कहेगा, कहेगा 500वें सेकेंड में, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो केवल यही ना पुट करना पड़ेगा, और पहले जो आप जानते थे, पहले जो जानते थे उससे क्या करते, 500 में कितना डिस्टेंस है वो निकालना पड़ता, फिर 499 में जो डिस्टेंस था वो निकालना पड़ता, और फिर माइनस करना पड़ता, पगला जाते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से। लेकिन यह क्या नया थ्योरी है? इसको थ्योरी नहीं बोला जाता, इट इज द डिडक्शन फार्मूला। क्या है ये? डिडक्शन फार्मूला है, यानी फार्मूले से फार्मूला निकला, ये मेन फार्मूला नहीं हुआ, ये फार्मूला से ही फार्मूला निकला किसी खास चीज के लिए, समझ में आ रहा है? फार्मूला क्या करता है, एक जादू है वो, कि उसमें बड़ी बड़ी चीजों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे आई होप समझ गए, नोट कर लो।